हेलो फ्रेंड्स, मीना कंवर हिमाचली स्पेशल चैनल में मैं मीना कंवर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। बैसाखी का त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो फ्रेंड्स, बैसाखी के इस खास मौके पर ये देखिए, आज हमारे घर में जो ब्रास होते हैं उसके फूलों की माला लगाई जाती है, इसे चचेड़ी बुलाते हैं, और चचेड़ी को सुबह लगाया जाता है। पहले इसकी पूजा करी जाती है, उसके बाद हम इसे घर में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, बैसाखी के ख़ास मौके पर इस बार हम कुछ नया ट्राई करेंगे, और मैं आज आपके सामने विशेष पहाड़ी पकवान बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसकी पूजा करके इसे लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद हम आज का खास मेन्यू जो है वो बनाएंगे। इस बार कोरोना की वजह से बैसाखी इतनी ज़्यादा नहीं मनाई जा रही, लेकिन फिर भी जो भी हम कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने पुराने और नए मकान दोनों में ये ब्रास के फूलों की माला लगा दी है, और अब हम खाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है यह माला। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने पकवान के लिए आटा पहले से ही छान कर रख लिया है। इस आटे को अब हम गूंदेंगे। आटे को गूंदते समय इसमें पानी बहुत ही खुला डालना है, खुला पानी डालना है, क्योंकि हम इस आटे को बहुत ही ढीला ढीला गूंदेंगे, क्योंकि इससे हम पहाड़ी स्पेशल जो बैसाखी में बनाया जाता है त्योहारों में, पटांडे बनाएंगे। आटे को हल्के हाथों से गूंदना है फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वरना जो पटांडे हैं वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे, आटा अच्छे से सेट नहीं होगा। ढीला ढीला आटा गूंदना है। बैसाखी के समय लोगों की वैसे तो फसलें तैयार हो जाती हैं, लेकिन इस बार मौसम ज़रा ठंडा था तो अभी कनक की कटाई नहीं हुई है। कनक जो अभी सारे हरे ही हैं, अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तो आटे को हमने अच्छे से गूंदना है हल्के हाथों से, और इसे काफ़ी गीला गीला बनाना है, और हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से लग जाए। तब तक हम दाल चढ़ा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल को मैंने पहले से ही भिगोकर रखा हुआ है। बैसाखी या कोई भी त्यौहार हो, त्यौहारों में हिमाचल में स्पेशल साबुत उड़द की दाल बनती है, मोटी मोटी, वो भी राजमा के साथ, या जिसको पहाड़ी भाषा में हम बालड़ी भी बोलते हैं, बालड़ी के साथ दाल बनती है। तो आज हम यही बनाएंगे। मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया है, और अब देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अब हम दाल को इसमें डाल देंगे। दाल को इसमें डालने के बाद हम इसमें लगभग 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और इसे लगभग 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए, लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल चेक करेंगे, कुकर का ढक्कन खोलेंगे। हमारी दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गल चुकी हैं। राजमा भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे।
देखिए मैंने पतीले में तेल चढ़ा दिया है। इसमें हम प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन को बारीक काट के रख लिया है, जीरा डालेंगे और मेथी दाना डालेंगे। मैंने मक्खन डाल दिया है, अब हम मक्खन को मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, इसके बाद मेथी दाना डालेंगे। जब जीरा और मेथी दाना थोड़ा भुन जाए तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमने जो अदरक और लहसुन को बारीक चॉप करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालने से हमारी उड़द की दाल है जो वो ज़्यादा वायु नहीं करती है। अब हम इसमें एक चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें दाल डाल दी है, बाकी की सारी बची हुई दाल भी डाल देंगे। तो देखिए हमारी दाल अब अच्छे से पक गई है। इसे थोड़ा ढक्कन बंद करके पकाएंगे लगभग 5 मिनट के लिए। देखिए हमारी दाल में अच्छे से उबाली आ गई है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारा आटा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे और गूंथेंगे और इसे पतला बनाएंगे। इसे बार बार गूंद गूंद कर हम इसे पानी ऐड करते रहेंगे और इसे पतला बनाएंगे ताकि हमारा बैटर एकदम पतला हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ये देखिए अब हमारा बैटर रेडी है। अब हम इससे पटांडे बनाएंगे। तो देखिए हमने तवा लगा दिया है और हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम आटा लेंगे। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और पटांडा बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे हाथ से ही जल्दी जल्दी चलाना है। शुरू शुरू में जब हम बनाते हैं तो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती तो हमारा हाथ भी जल सकता है, लेकिन जब बार बार आप बनाते रहेंगे तो हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हाथ नहीं जलता। ये देखिए बहुत ही पतला और बहुत ही अच्छा पटांडा तैयार हो रहा है। ये देखिए इसके किनारे किनारे निकलने लग गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो पटांडा है वो तैयार हो गया है। इसे डोसा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन पहाड़ी भाषा में हम इसे पटांडा कह के बुलाते हैं। ये देखिए इतनी आसानी से निकल गया, हमारा पटांडा बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप इसे करारा खाना चाहते हैं तो थोड़ी देर और पकने दें और इसे थोड़ा करारा होने दें। ये देखिए अब ये बिल्कुल करारा हो चुका है। अब हम इसे उतार कर रख देंगे। इसी तरह से हम और भी बाकी पटांडे बना लेंगे।
पहाड़ों में त्योहारों में ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल चीज़ें ही बनती हैं। वैसे तो और भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये ज़रूर बनती हैं। जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर में है कि ये सारी चीज़ें बनते हैं, मतलब इसे शुभ मानते हैं। ये देखिए, हमारे पटियाला में क्या क्या बनता है। हम इसे थोड़ा और करारा होने देंगे। और देखिए, हमारा पटांडा बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी थाली को परोसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पटांडा, इसको हम शक्कर के साथ खाते हैं, घी शक्कर के साथ इसे खाया जाता है। वैसे तो खीर के साथ भी इसे खाया जाता है। खीर और पटांडा भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और हम इसके साथ दाल खाते हैं। तो ये पहाड़ी थाली रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।